जिले के सदर थाना क्षेत्र के मांगता गांव के पास शुक्रवार रात्रि को हुए एक सड़क हादसे में एक दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार गुजरात से आ रही एक बस मांगता गांव के पास असंतुलित होकर पलटी खा गई। इससे बस में सवार एक दर्जन महिला व पुरुष यात्री घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहाँ उनका उपचार शुरू किया गया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के मांगता गांव के पास शुक्रवार रात्रि को हुए एक सड़क हादसे में एक दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार गुजरात से आ रही एक बस मांगता गांव के पास असंतुलित होकर पलटी खा गई। इससे बस में सवार एक दर्जन महिला व पुरुष यात्री घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए राजकीय चिकित्सालय लाए, जहाँ उनका उपचार शुरू किया गया। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार रात को गुजरात से एक निजी बस सवारियाँ भरकर बाड़मेर की तरफ जा रही थी। इस दौरान पुलिस थाना धौरीमन्ना के मांगता गाँव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर बस चालक ने अचानक संतुलन खो दिया और बस असंतुलित होकर पलटी खा गई। इससे बस में सवार एक दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हो गई। बस पलटते ही उसमें सवार लोगों ने चीख पुकार करना शुरू कर दिया, तो कई सवारियां खिड़कियां तोड़कर बाहर निकलने लगी। वहीं आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों ने भी अपने वाहन रोक बस के पास पहुंचे और घायल सवारियों को बस से बाहर निकाला। साथ ही घायलों को निजी वाहनों की सहायता से बाड़मेर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया। यहां पहुंचने पर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों ने घायलों का उपचार शुरू किया। उपचार के बाद अधिकांश घायलों को छुट्टी दे दी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर शुक्रवार रात्रि निजी बस असंतुलित होकर पलट गई। हादसे की जानकारी मिलने पर धौरीमन्ना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। वहीं घायलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू करवाया। बहरहाल हादसे में कोई बड़ी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।